अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज माशाल्लाह से कलर स्टार्ट करेंगे, लेकिन माशाल्लाह ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगते हैं। तो यार आज जो इस पूरे सेटअप में करेंगे कलर, और इस वाले कलर में अभी जो आप जो गेट था मेन वो रहता था कलर होने के लिए, बाकी तो सारा एरिया कलर हो गया था, कुछ रहता है तो आज उसको कम्प्लीट करेंगे। तो यार ये वाला मेन गेट है जहाँ पर कलर स्टार्ट करेंगे, पूरा का पूरा एरिया इस गेट को कलर करेंगे। ऐसे जाली वाले एरिया पे मैं कलर नहीं करूँगा, वो उस पर जाहिर सी बात है अभी सर्दी आएंगे तो कवर करेंगे, तो उसमें मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। तो बाकी जितना भी पूरा फ्रेम है इसका, इसको कलर कर दूँगा अलग कलर से। अच्छा ये जो निशान है यार, ये मैं गर्मियों में बलोल लगाया था तो उससे मिट्टी जो थी वो बाहर रुक गई थी, ये भी क्लीन हो जाएगी। तो साथ ही साथ एक और चीज़ सोच रहा हूँ, ये जो मेरे पास स्टेप है जिसके ऊपर खड़े होकर मैं जो सेटअप को देखता हूँ, तो बल्कि एक बार आपको सेट करके दिखा देता हूँ भाई ये सिंगल क्या हुआ है। थोड़ा सा स्पेस बन जाती है जब मुझे काम करना हो, तो मैं इस तरह करके डबल कर लेता हूँ इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह से डबल हो गया है। इसके ऊपर भी कलर वगैरह लगा होता तो इस पर भी मज़ीद कलर भी कर देंगे, तो ये भी थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा ये पूरा एरिया। और बाकी तो माशाल्लाह से सेट है, तो गेट रहता है, गेट भी कलर करेंगे बाद में। तो फ़िलहाल इस वाले एरिया को करेंगे हम क्लियर, और इसमें जितने भी फेंच वगैरह हैं थोड़ा सा एग्जॉटिक है तो इसलिए इनको अलग करके रखा होता है। इस सेटअप को थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अगर हीट वगैरह हो तो। बाकी देखें माशाल्लाह से कॉकटेल जो है वो देख रहा है कि आज फिर कोई एक्टिविटी होने वाली है केस के अंदर, बल्कि मैं आपको उसको करीब से दिखाता हूँ। तो इस तरह भाई इस स्टेप के ऊपर मैं आ जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये वाला पेड़ माशाल्लाह से। अच्छा ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये काटने को दौड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसा बर्ड्स है तो वो काफ़ी सर्वाइव भी करता है, प्लस और एगलाइन भी अच्छी कर देता है आपके पास। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको देखें एक बार खोल के दिखाता हूँ तो ये काटने को लाजमी आएगी, ये देखें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये डरते नहीं है, क्योंकि अमूमन बर्ड्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो अंडों से भी बाहर आ जाता है, अंडे भी ज़्यादातर वो ख़राब कर देता है। तो यार इस पर भी कलर करते हैं, पहले इसका कलर स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह यार ये पूरा एरिया हो गया है कलर, अब सिर्फ गेट रहता है जो मेन गेट है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कलर होने के बाद, यानी कि तमाम दीवारें वगैरह कलर हो गई हैं, और ये वाला एरिया था जिसको कलर किया है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो गया है। अच्छा जाली पर नहीं किया, जाली पर हम एक और अलग तरीके से लगा देंगे, सर्दियाँ आने वाली हैं उसकी भी तैयारी करनी है। तो माशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हमारा सेटअप वो काफ़ी हद तक रेडी हो गया है, तो साथ साथ बर्ड्स को भी देखेंगे और उसमें भी नए बर्ड्स वगैरह ला के रखेंगे। तो यार इंशाल्लाह यहाँ के वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।